हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरी फिटनेस गुरु। आज हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेचिंग को कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक सामने वाले बंदे के हाथ जिस तरह मैं पकड़ रहा हूँ और उसके पैरों में पैर टच करके पूरा फुल धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। और प्लीज़ बच्चे इसको ना करें, क्योंकि बच्चे अगर करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, इंजर्ड हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक ट्रेनर की गाइडेंस में करें, एक अच्छी फॉर्म में करें। अगर आपको नहीं आते तो आप प्लीज़ वीडियोस देखें। अगर आप हमारी वीडियोस नहीं समझ में आती तो और भी वीडियोस स्ट्रेचिंग के पड़ी हैं, आप उनको देखें। और प्लीज़ इसको बहुत ही स्लोली, बहुत ही अच्छे से करें। और अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह हम इस बंदे की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा है नया, इसलिए इसके हल्का हल्का पेन हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग बहुत ही धीरे धीरे इसकी ओपन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हम अपने इसके हैंड को कर रहे हैं, मगर इसमें थोड़ा पेन होता है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, आपका फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे ओपन होगी। अब आप देखिए, एक नेक्स्ट बंदा है जिसका मैं हाथ पकड़ लूँ, तो देखिए कभी कभी होता है क्या है कि गलत पोजीशन, देखिए हम लोग है ना, पहले पकड़ रहा था मैं गलत पोजीशन, मगर अब मैंने सही पकड़ी है। उसके बाद देखिए देखिए मैं लेग्स को धीरे धीरे इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। देखिए आप हल्का सा करें प्लीज़, बहुत ही अच्छी फॉर्म में। पहले सामने वाला थोड़ा सा भी उसको प्रॉब्लम, मगर आप अपनी फॉर्म हमेशा ध्यान रखें। अगर आप सामने वाले की स्ट्रेचिंग किसी की ओपन कर रहे हैं, धीरे धीरे ओपन करें, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ओपन होगी, आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि स्ट्रेचिंग खोलना भी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है बॉडी का, जिससे आपका फैट भी बर्न होता है, आप एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो आप इंजर्ड होने से आपको बचाएगा। आप ओके, तो आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें कि मैं धीरे धीरे इनकी स्ट्रेचिंग ओपन कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम कभी इसमें स्ट्रेचिंग इसकी ओपन करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे मैं लेग्स को मूव कर रहा हूँ। ग्रिपिंग हमेशा अच्छी रखें, सामने वाले के पेन होगा, बट आप धीरे धीरे इसको स्लोली स्लोली फॉर्म करें। इसलिए मैंने एक ही स्ट्रेचिंग आपको बताई है कि अलग अलग करके, कि आपको हर वीडियोस में आप ये देखिए कि आप जब जब किसी किसी की स्ट्रेचिंग करते हैं अलग अलग बंदे की, तो आप हर तरह का बंदा अलग होगा। अब देखिए एक जैसे कि ये, आप क्रिकेटर्स वगैरह को देखिए, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो लोग स्ट्रेचिंग ज़रूर करते हैं। जितनी उनकी स्ट्रेचिंग जितनी अच्छी होगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी बढ़िया रहेगी। हम लोग में जिम में क्या होता है ना कि हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हम लोग की मसल ओपन नहीं होती, जिससे क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं और हमारे जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं बहुत सारी। क्योंकि जैसे जैसे आपकी मसल्स ओल्ड होंगी, वैसे वैसे आपकी मसल हार्ड होने लगेगी। जहाँ पे स्ट्रेचिंग मेरी नहीं खुल पाती थी, मेरी अभी भी नहीं खुल पाती, क्योंकि मैंने इतने टाइम से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेचिंग, क्योंकि मैं तो सामने वाले की स्ट्रेचिंग करता हूँ, बट मेरी कैसे हो, जितनी भी मुझसे मुझे अकेले मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ। मगर धीरे धीरे आप करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, आपको एक अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ इस वीडियोस को बच्चे बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जब क्योंकि बच्चों में क्या होता है ना, जब भी कोई वीडियोस देखते हैं तो वो ट्राई ज़रूर करते हैं कि मैं भी करूँगा, शायद वो घर में किसी ना किसी के स्ट्रेचिंग को ओपन करने लगें। तो प्लीज़ आप इसका बहुत ही ध्यान रखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, कि जिससे आपको मेरी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहे।